ब्यूटीफुल फेसेस, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल सुषमा। कैसे हैं आप लोग? एमसी और आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं चाहती हूँ, भगवान से ऑल टाइम दुआ करती हूँ, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइब बहुत अच्छे रहें, बहुत खुश रहें, खुशहाल ज़िंदगी जिए। तो आज हम बात करेंगे कि हम लिपस्टिक कैसे बनाएंगे 2 मिनट में, और वो भी 2 चीज़ों से, और बिल्कुल नॉन ट्रांसफ़र वाला वो लिपस्टिक होगा, वो बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगा। ऐसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा लिपस्टिक वो कैसा लग रहा है सच बता देना। ये लिपस्टिक भी मैंने वैसे ही ट्रिक से बनाई है, एंड मैं आपको दिखाती हूँ उसके स्विचेस, मैं इस साइड में दिखाती हूँ। सो आपने देखा, तो ये एक बहुत अमेजिंग बात है कि ये रिमूव जल्दी नहीं होता। अगर आप इसे रिमूव करोगे तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। अगर आप ऐसे किसी से बात कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो उसमें जल्दी ये रिमूव बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर आपको देखना है ये ट्रिक, जानना है कैसे मैं बनाती हूँ ये लिपस्टिक, चलिए मैं फिर भी शेयर करती हूँ। एंड हाँ, और एक चीज़ है, आप जिस कलर की चाहो आप उस कलर की लिपस्टिक बना सकते हो। चलो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, जब मैं हूँ तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत क्या है। चलो आ जाओ फटाफट से मेरे वीडियो को देखो और उस ट्रिक को फॉलो करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको समझ में आ जाए मेरी बात। चलो आओ फटाफट से और हाँ, पूरा देखे बगैर जाना नहीं। मैं आपको जो आज ट्रिक दूंगी ना, वो ट्रिक आपको ऑल टाइम काम आने वाला है, ऑल टाइम। और मैंने जैसा कि बताया कि मैं सिर्फ 2 चीज़ों से लिपस्टिक बनाऊंगी, ओनली 2। तो सबसे पहले मैं जो अप्लाई करूंगी यहाँ पर वो है ये। भाई हमें बजट का भी तो ध्यान रखना है, अगर लिप बाम लगा लेंगे 70-80 वाले उतने में तो लिपस्टिक ही आ जाएगा। तो मैं क्या लेना है, एक लिप बाम, ये ब्लू हेवन का, आपने मुझे इसी वीडियो में भी यूज़ करते हुए देखा होगा, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, और इसकी प्राइस जहाँ तक बात करूँ 10 रुपये है। और आपको पता है इसकी जो एक्सपायरी हुई 5 साल है, या 5 साल हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप भी मेरे से कम लिप बाम यूज़ करते हो ना, तो आपके साथ भी ये 5 साल चलने वाला है। चलिए अभी ये तो हो गई लिप बाम की बात, अब मैं बता दूँ अगर आप लिप बाम यूज़ नहीं करते हैं तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लिप बाम यूज़ नहीं भी करते हैं तो भी हम एक कुछ तो रखते ही हैं अपने घर में, नहीं कुछ रखते तो हम एक 5 रुपये वाली वैसलीन ख़रीद लेंगे, कोई भी लिप बाम नहीं, कुछ तो वैसलीन। ओके, तो उसके बाद अब मैं इसे यहाँ पर लगा ले रही हूँ। देखा कि मैंने यहाँ पर ये लिप बाम लगा लिया। और अब हमें एक दूसरी चीज़ क्या चाहिए मैं बता दूँ, कोई सा भी आई शेडो पैलेट। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा पहले यूनिक वाला कुछ करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक हटके कलर वाली जो होती है, जो थोड़ा सा यूनिक कलर होता है, वैसा एक लिपस्टिक ट्राई करती हूँ, जो हटके कलर है इसमें से वो ट्राई। जब आप ये ट्रिक अपनाओगे ना तो मुझे ज़रूर बताना कि आपने यूज़ किया था, आपको कैसा रिजल्ट देखने को मिला। आपके पास जितनी पिगमेंटेड वाले आई शेडो होगी उसका कलर उतना ही ब्राइट आएगा, इतना भी आप सोच लो आप कैसे। और बिल्कुल भी आपका आई शेडो वेस्ट नहीं होगा, बस थोड़ा सा लेना है और उस टाइप से ट्राई कर लेना है। आपको तो मैं चाहूँ तो और डीप कर सकती थी, बट जब भी हम कुछ ऐसा लिपस्टिक ट्राई करेंगे तो मुझे तो हम लोग और हाँ गाइस, एक चीज मैं आपको और दिखा दूं कि अगर आपको एक थोड़ा सा हटके कलर चाहिए, जो आप कलर लगा रहे हो उसके तो बिल्कुल डीप कलर आए, तो मैं उसके लिए एक ट्रिक आपको और बता देती हूँ।
जाती हूँ मैं क्लियरेंस के लिए, मैंने ये शेड यहाँ से लिया था, देखो इसे मैंने बहुत जम के यूज़ किया है गाइस, बहुत जम के। इसे मैंने एज अ हाइलाइटर यूज़ कर लिया, इसे मैंने एज अ ब्लश यूज़ कर लिया, इसे मैंने एज अ ब्लश यूज़ कर लिया। एंड ये ट्रिक आप देख सकते हो, मुझे DIY करके जो कुछ लगाने का मज़ा होता है ना, वो खेडे प्रोडक्ट्स में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो इसका मज़ा है वो उन लिपस्टिक में नहीं है। एंड एक चीज़ और है, अगर आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो जो मैंने पहले बताया, तो आपके लिए उतनी ज़रूरी भी नहीं है। और एक चीज़ ये हमारे एक और ट्रिक में भी काम आ सकती है, अगर हम कहीं जा रहे हैं हमारी लिपस्टिक रिमूव हो गई है और हमें वापस से लिपस्टिक लगाना है, तो नहीं कुछ तो आई शेडो अगर हमारे पास है तो आई शेडो से बना सकते हैं। तो ये तो एक ट्रिक है अगर हम लिपस्टिक लगाना भूल गए। वैसे एक चीज़ तो है कि लिपस्टिक हम लड़कियाँ ज़रूर कैरी करती हैं, तो इसलिए। वैसे आपको कैसा लगा ये ट्रिक मेरा ज़रूर बताइएगा। एंड ये बिल्कुल इंस्टेंट 2 मिनट वाली है, बट मैंने तो उसे डिटेल में वीडियो बनाई, इसलिए थोड़ा सा हो गया है लंबा, और मैंने थोड़ा सा लेंथी किया भी है, ताकि आप मुझे 5 मिनट अपना कीमती वक्त मुझे भी दे दिया करो, ताकि मैं भी उस कीमती वक्त का। तो अब तक के लिए देखते रहिए मेरे वीडियोस, एंड बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करे बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाना गाइस। एंड आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।